ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस विधायक दल ने राज्यपाल से मांगा मिलने का समय। जल्द राज्यपाल से मिलना चाहता है विधायक दल। बहुमत खो चुकी है हरियाणा की बीजेपी सरकार। कांग्रेस राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। कांग्रेस राष्ट्रपति शासन लागू करके जल्द चुनाव करवाए जाएं। कांग्रेस ने जी गवर्नर को लेटर लिखा है, तो क्या आप भी मिलेंगे गवर्नर साहब से? परमिशन जाएगा, हमारा विधायक लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो है कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 एमएलए परेड करते गवर्नर साहब, हमारे तो साथ भी जाएंगे। कोई डाउट काउंटर का होगा तो परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अपमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पर इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शन। कांग्रेस कब परेड कराएगी? परेड कब कब कराएंगे सर? जब गवर्नर हमारे तीस हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है, उनके विधायकों को आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को सपोर्ट कर रहा है। हमारे किसी विधायक कब आ रहे हैं, हम तीस करते हैं। देखो तीस हम दस वो है जी, तीन वो हमारे मिले पहले जो अभी शामिल हुए जिनसे चौथा उम्र है पैंतालीस है, 88 का हमसे दो जगह खाली है। जैसे भी कह रहे हैं कि एक मिनट का भी काम नहीं था ये, तो जाके तो राज्यपाल से एक मिनट का भी काम नहीं था राज्यपाल से जाके मिलते। जेजेपी तो ये कह रही है कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से मिल नहीं। कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस तो कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात थी जो इनका गठबंधन था, गठबंधन का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काट। सर जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब क्या अविश्वास प्रस्ताव आता है 6 महीने नहीं मिलते जो है। ये भी है उनको पता ही नहीं क्या था। और उन्हें अब सेशन बुलाए बहुमत करें, और जो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने। हमारे इतने एमएलए हर पद में हुड्डा साहब जो बीजेपी वो एक पेट के अंदर टूट गया, डॉक्टर के पास गया, बोला मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बोला क्या खाया था तुमने? बोला फिर बोला कहाँ से आया? बोला मैं जनसभा में से आया। बोला अलम्बा बोल दिया, बोला बोलने नहीं दिया, बोला तेरे पेट में भाषण काट लिया अपने पेट में सर। सर मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल ने रैली की थी भिवानी कैंडिडेट, और उनके बेटे पर तरह तरह के आरोप लगाए थे। तरह तरह के मनोहर लाल ने आरोप लगाए कि उनके पीछे सीबीआई है, ईडी है, राहुल सिंह की जो आपके कैंडिडेट है कोई कोई सीबीआई लगाया। मनोहर लाल जी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, कई उपलब्धि तो बता नहीं पा रहे कि किया ही कुछ नहीं। उसके पीछे ये उसके पीछे ये तुमने क्या किया 10 साल में? हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया? जो प्रति प्रति व्यक्ति आया है, प्रति व्यक्ति निवेश, नौकरी देने में पूरे खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था। आज क्या आपका पूछ दिया भाई, आज बेरोजगारी में नंबर एक है। खेल खिलाड़ियों में हमारी पहलवान बेटी तो पूरी दुनिया में नाम कमाया, उसको किस तरह से घसीटा गया जनता तंत्र में, क्या उपलब्धि है? हुड्डा साहब नौकरी के मामले में पर्ची और खर्चे की बात मनोहर लाल जी कहते हैं ईमानदारी से, इस चीज को आगे फॉलो रखा जाएगा या क्या रहेगा? ये सरकार ऐसी है, यही सरकार जो अपनी जो है ना वो कहते हैं ना कमाना होती है, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसके एचपीएससी के दफ्तर में करोड़ों रूपये पकड़े गए, एसएसपी के दफ्तर से चेयरमैन को बदलना पड़ा, जो कौशल रोजगार योजना के एमडी को वहां करोड़ों रूपये पकड़े गए। पहली सरकार है, इन्होंने नौकरियां बेची भाई, जैसे परचून की दुकान परचून बिकता ना, नौकरियां के भाव लगे हैं तो वो अपनी जेब पटा रहे हैं, कोई बात नहीं। सबको अपनी जेब पटाने का हक है। उनका कहना हम नगर परिषद में दियो,
हमारे काम छोड़ दो, मोदी जी के काम देखो, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। बीजेपी का रिप्लाई हुआ कि इसी अगर कांग्रेस वाले हैं तो मैं नाम बंद हमारा काम देखो, काम देखो, आप क्या काम देखो ना, काम पे वोट दो। तुम तो कह रहे हो मोदी के नाम पर वोट मांगा तो नाम बंद ना, आपकी उपलब्धि कोई नहीं होगी। जब किसी की अपनी उपलब्धि नहीं है तो किस नाम पे वोट देंगे? सर मोदी के मालूम व्यक्ति के क्या सवाल नहीं है, व्यक्ति सवाल है उपलब्धि क्या है। सरकार का स्वागत सर, आपने सर आपने कापड़तून की तरह नौकरियां बांटी है तो क्या कांग्रेस सरकार छपे हैं? क्या कांग्रेस सरकार आती थी उसकी जांच होगी, कौन फंसेगा? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब दिया करता हूँ। राहुल जी की या प्रियंका जी की बड़ी रैली होने वाली है, कोई ऐसी होगी होती है वो कभी से कहते ना, पर राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं सर। आप ये चुनाव है उसमें आपने मन से कहा अभी 2 लाख नौकरियां देंगे एक साल के अंदर, 2 लाख, तो ऐसे क्या डेवलपमेंट के 2-4 ऐसे क्या प्रोजेक्ट आप बताएंगे जो हरियाणा में आने वाले टाइम में? खाली पद है भाई, आने वाले खाली पद, सेंक्शन पोस्ट है, इतनी सेंक्शन पोस्ट है। आज क्या स्थिति है, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ये सब खाली पोस्ट है। साहब ये किसानों के यहाँ कर्जा माफ करने की बात की गई है, ये पार्टी का फैसला है। ये क्या क्राइटेरिया है? पहले भी किया था कर्जा माफ, क्राइटेरिया हमारी सरकार के दौरान भी किया था हमने कर्जा माफ किसान का, ये करेंगे। इन्होंने तो किया है बड़े बड़े आदमी का कर्जा माफ, हम किसान का हो गया जी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।